को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी थी। डैम के आसपास रहने वाले लोगों को आगाह कर दिया गया था, डैम के निकटतम रहने वाले लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया था और उन्हें यह स्थान छोड़कर जाने के लिए पहले ही कह दिया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पौंग डैम खतरे के निशान से ऊपर पौंग डैम झील बह रही है और डैम में इसका दबाव देखने को मिल रहा है, जिस वजह से 2 से 3 दिन लगातार डैम से पानी छोड़ा जाएगा। ये प्रबंधन ने पहले ही लोगों को सूचित कर दिया था और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पौंग डैम झील से पानी छोड़ा गया है, 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बीते कल का आंकड़ा अगर आपको बताया तो 45,000 क्यूसेक पानी पौंग डैम झील से छोड़ा गया था और साथ ही 1,390 पौंग डैम में खतरे का आखिरी निशान है। और अगर पौंग डैम की कैपेसिटी की बात की जाए तो 1,410 इसकी कैपेसिटी है, यानी बहुत कम फासला रह गया है जब पौंग डैम की जो कैपेसिटी है वो यहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार बारिशों का दौर जारी है, पौंग डैम झील में लगातार पानी भरता जा रहा है, डैम पर इसका दबाव देखने को मिल रहा है और इसी के मद्देनजर पौंग डैम से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। बीते कल ही बांध प्रबंधन ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी।